आने वाले कुछ दिनों के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली है। ये बजट हर साल 1 फरवरी के दिन पेश किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए इस साल पूरे साल का बजट पेश न करके निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी, जो लोकसभा चुनाव से पहले तक का माना जाएगा। इसके बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे, परिणाम बाहर आएंगे, ऐसे ही नई सरकार नया बजट पेश करेंगी। लेकिन इसी बीच ये सवाल उठता है कि आखिर बजट क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है और पहली बार देश में बजट कब पेश किया गया था। तो आज हम आपको इन्हीं समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया जाएगा। बजट को लेकर काउंटडाउन शुरू भी हो गया है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि आम बजट पेश होगा या पूर्ण बजट पेश होगा, लेकिन हकीकत में इसे यूनियन बजट कहा जाता है। लेकिन ये यूनियन बजट होता क्या है, यह हम इसे आपको आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं। बता दें कि आम बजट या फिर यूनियन बजट खर्चे और कमाई का एक लेखा जोखा होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं कि कितने पैसे कमाएंगे, कितने खर्च करेंगे और अंत में कितने पैसे बचाएंगे। लेकिन आम आदमी और सरकार के बजट में एक मामूली सा अंतर होता है, और वो अंतर ये कि आप अपने घर का बजट बनाते हैं और सरकार पूरे देश का। साल 2016 तक फरवरी के अंतिम दिन यानी 28 तारीख या 29 तारीख को बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है। आपके घर के बजट और देश के बजट में एक और बड़ा अंतर पाया जाता है, वो ये कि आम आदमी के घर के बजट में कमाई से खर्चे थोड़े कम होते हैं। इसमें आप कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन सरकार का जो बजट बनता है उसमें आमतौर पर खर्चे ज्यादा होते हैं और कमाई कम। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर खर्चे के लिए पैसे कहां से आएंगे भाई। तो आपको बता दें कि खर्चों के लिए सरकार पैसे उधार लेती है, और इसलिए सरकार के बजट को घाटे वाला बजट भी कहा जाता है। संविधान में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। आम बजट में सरकार की आर्थिक नीति की दिशा दिखाई देती है। इसमें मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए पैसे का आवंटन होता है। इसमें आने वाले साल के लिए कर प्रस्तावों का ब्यौरा पेश किया जाता है। बता दें कि वर्ष 1924 से संसद में आम बजट से अलग रेल बजट पेश किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर दिया है। यही नहीं, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के साथ प्री बजट मीटिंग्स कर चुकी हैं। ये मीटिंग्स बजट की तैयारियों का ही हिस्सा माना गया है। बजट की तैयारियों में राजस्व विभाग, उद्योग संघों, वाणिज्यिक मंडलों, किसान संघों, ट्रेड यूनियन, इकोनॉमिस्ट जैसे अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक होल्डर्स के साथ वित्त मंत्री चर्चा करती है। बजट की तैयारी के पहले हिस्से में आर्थिक मामलों के विभाग की बजट डिवीजन द्वारा सभी मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों और रक्षा बलों को सर्कुलर भी जारी किया जाता है। सर्कुलर में उनसे फाइनेंशियल ईयर के लिए उनके खर्चों का अनुमान लगाते हुए जरूरी रकम बताने के लिए कहा जाता है। इसके बाद अलग अलग विभागों के बीच रकम देने पर चर्चा की जाती है। इसके बाद ये चर्चा होती है कि किस विभाग को कितनी रकम का आवंटन किया जाए। इसके तय करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री अन्य मंत्रालयों के साथ बैठक करके एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। फिर मीटिंग में सभी मंत्रालयों के सीनियर अधिकारी फंड आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बजट का इतिहास क्या था, मतलब आपको थोड़ा सा पास्ट में लेकर चलते हैं। तो आपको बता दें कि आजादी के बाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था। इसे देश के पहले वित्त मंत्री के शनमुखन चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। फिर देश में गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला केंद्रीय बजट 28 फरवरी 1950 में पेश हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था। ये बजट ब्रिटिश गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो ये है हमारे देश के बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। खैर, आपको इन समस्त तथ्यों के बारे में जानकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।